हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम चलते हैं अमृतसर से अटारी बॉर्डर, जिसको बाघा बॉर्डर भी कहा जाता है। अगर आप अमृतसर के लॉरेंस होटल से बाघा बॉर्डर जाते हो तो आपको 30 किलोमीटर पड़ जाता है। अगर आपका गोल है बाघा बॉर्डर का जल्दी परफॉर्मेंस देखने का तो जल्द से जल्द जाइएगा, क्योंकि वहाँ बहुत जल्दी क्राउड हो जाता है, आपको सीट मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, वरना आपको पीछे बैठना पड़ेगा। तो फ्रेंड जल्द से जल्द पहुँचिएगा, आपको अच्छी अच्छी सीट मिल सके तो आप उसका मज़ा ले सकें। वहाँ का टाइमिंग समर का होता है 5:15 और विंटर्स का होता है 4:15। आप पहुँच गए हैं अटारी बॉर्डर के पार्किंग एरिया में और आप देख सकते हैं यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर शो देखने के लिए। मैं आपको पहले से ही कहना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द आइए, क्योंकि यहाँ पार्किंग बहुत फुल हो जाती है, फिर आपको एग्जिट में बहुत प्रॉब्लम होगी। हम अगर अटारी बॉर्डर आते हैं, वहाँ पर कोई एंट्री चार्जेस नहीं है, सिर्फ पार्किंग के अलावा, सिर्फ पार्किंग का आपको पे करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ फ्री है। आज बेसिकली क्राउड कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि आज 26 जनवरी है, तो हो सकता है सब छुट्टियाँ मनाने के लिए यहाँ पर आ जाएँ इस चीज़ को इन्जॉय करने के लिए। अटारी बॉर्डर पर कैसे बॉर्डर का परफॉर्मेंस होता है BSF वालों का, तो वो सब देखने आएंगे अपने फैमिली वालों के साथ। मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अमृतसर आते हैं तो अटारी बॉर्डर का परफॉर्मेंस देखना ना भूलिएगा। ये चीज़ आपको अलग ही एक्सपीरियंस देगी आपकी लाइफ में। यहाँ पर काफ़ी ऊपर जाके शो देखने का होता है, जिनके पैरों में दर्द रहता है तो वो थोड़ा संभाल के चढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। तो गाइस, फाइनली हम लोग अटारी बॉर्डर पहुंच चुके हैं। देखिए स्टेडियम अभी थोड़ा खाली है, अभी धीरे धीरे लोग आना स्टार्ट होंगे तो भर जाएगा। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने।